फ्लावरिंग वाटर इन देर बिल्डिंग उनमें क्या होता था फ्लावरिंग वाटर इन दियर बिल्डिंग उनमें बहुत अच्छे से मतलब छोटे छोटे कुएं होते थे छोटे छोटे तालाब होते थे अंदर में छोटे से पॉन्ट्स जैसा कह सकते थे उसमें फ्लावर्स मोस्ट ऑफ़ द बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ मार्बल जितने भी इनके बिल्डिंग्स जो निर्माण के वो मार्बल्स के होते थे द यूज कलर्ड स्टोन्स इन देयर बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली लोग जितने भी खूबसूरत अंदाज में जो कलर स्टोन जो रंगीन पत्थर होते थे उसका ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करते थे यहाँ पे देखते थे बुलंद दरवाजा फ़तेहपुर सिकरी में लोग ने एक अच्छा सा निर्माण किया है रेड मार्बल कलर मार्बल से ये बुलंद दरवाज़ा अकबर हैड सेटअप ए सिटी न्यू कैपिटल नियर आगरा अकबर हैट सेटअप ए न्यू सिटी अकबर सेटअप ए सिटी न्यू कैपिटल एक नया इनकी जो राजधानी थी नियर आगरा के पास इन स्टार्ट किया ओके ऑन द माउंटेन ऑफ सिकरी जो ऊंचा पहाड़ है सिकरी जो पहाड़ नाम है वहाँ पे ये लोग ने निर्माण किया इट वॉज़ नेम्ड एज फतेहपुर विक्टोरियस एरिया फतेहपुर का मतलब वो लोग ने जीत हासिल है तो वहाँ पे इसीलिए नाम उसका रखा है विक्ट्री एरिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ फ़तेहपुर सिकरी जामा मस्जिद वहाँ की जो फेमस जो एक इमारत है तो वो एक वो उसका नाम है फ़तेहपुर सीकरी जामा मस्जिद भी एक है द साउथ गेट ऑफ जामा मस्जिद एंट्रेंस इज़ बुलंद दरवाज़ा जो साउथ गेट जो साउथ साइड का जो गेट है जामा मस्जिद का वो एंट्रेंस जो उसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा इसको बुलंद दरवाज़ा कहा सकते थे इट हैज़ द टॉलेट फिफ्टी थ्री मीटर्स है द डोम एंट्रेंस ओके डोम एंट्रेंस इज इंडिया देर इज़ ए अनदर बिल्डिंग इन इट एज़ पंच महल इट इज़ फाइव स्टोरीड बिल्डिंग दूसरी जो है फाइव स्टोरी बिल्डिंग तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रेड फोर्ट आज जो मशहूर है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं यहाँ से हर जो नेशनल मतलब फेस्टिवल होता है फिफ्टीन ऑगस्ट कहिए ट्वेंटी सिक्स जनवरी जाइए यहाँ से ये लोग एड्रेस करते हैं हिंदुस्तान के हमारे जितने भी प्रधानमंत्री एक हिंदुस्तान का एक ट्रेडिशन एक रिवाज है यहाँ से ये लोग संबोधित करते पूरे देश को यहाँ से रेड फोर्ट से तो एक्चुअली क्या है रेड फोर्ट को उनको ये भी देखता है देखो ये एक स्टोन uh, है मार्बल है रेड स्टोन से ये पूरा निर्माण किया गया उस समय में ओके okay, मुगल पीरियड में शाहजहां बिल्ड रेड फोर्ट इन डेली फॉर द रॉयल फैमिली एक्चुअली किसके लिए बनाया जो रॉयल परिवार था जो राजा उन कि सारे जो खानदान थे उसके लिए वो निवास स्थान के लिए इसको बनाया गया निर्माण किया गया ये कौन किया है शाहजहान शाहजहान बिल्ड रेड फोर्ट इन डेली फॉर द रॉयल फैमिली द फोर्ट हैज़ मेनी अदर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन लाइक इसमें बहुत सारे अलग अलग अंदर में दूसरे भी कंस्ट्रक्शन निर्माण किया गया लाइक like दीवान आम मोती मस्जिद खास एंड हयात बख्श बाग गार्डन ये सारी चीज़ें इसके अंदर में निर्माण किया ये बहुत बड़ी है आज भी अच्छे अंदाज़ में है और हमारी एक हिंदुस्तान की एक शान भी है नेक्स्ट हम देखते हैं ताजमहल ये आप बेहतर सब स्टूडेंट बेहतर आप जानते हैं आपके पास इतना तो नॉलेज बिल्कुल है कि मैं जानता हूँ कि ये दुनिया का वन ऑफ़ द वंडर में से एक है ओके तो ताजमहल एम्पर शाहजहान हैड कंस्ट्रक्टेड ए टॉम एक टॉम एक ने इसको निर्माण किया है ओके ताजमहल इन इन द मेमोरी ऑफ इस बिलाउड वाइफ मुमताज़ की अपनी बीवी के निशानी में इसको इन्होंने निर्माण किया है इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल एक वाइट मार्बल वाइट फ्थर से इसको पूरा निर्माण किया गया इट हैज़ मेड इट्स प्लेस इन दैवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये दुनिया ये अपना नाम दर्ज कर लिया है दुनिया की वन ऑफ़ द वंडर में से जो बिकॉज ऑफ इट्स मार्वल वाइट मार्बल माइन्यूट कांग इसकी जितनी भी बारिक बारिक तराशा गया है बहुत बहुत अपने अंदाज़ में बेहतरीन अंदाज में पत्थर पे बड़ी बार की से बड़ी आर्टिस्टिक वो यहाँ पे इंसान ने लगा दिया है बड़ी तराशा गया बड़ी बार की से सारे पत्थर पे तराशा किया गया ग्रैंड कंस्ट्रक्शन वर्क डन बाय हाईली स्किल पेंटर उस जमाने में जो हिंदुस्तान के जबकि दुनिया के बड़े कलात्मक बड़ा कलाकार इसको इसमें भाग लिया है स्किल्ड पेंटर्स एंड स्पेशल आर्टिस्टिक वर्क इसका हाँ बड़े अच्छे अंदाज में हम इसकी बड़ी तारीफ कर सकते हैं वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ द टाइम थ्रू सच बिल्डिंग उस समय में कितना टेक्नोलॉजी था कितनी मतलब कलात्मक प्रजा रहती थी इस तरह का हमें ये बताते हैं द स्किल ऑफ आर्टिस्ट कैन आल्सो बी नोन थ्रू सच वर्क द अदर पीपल इन द सोसाइटी आर बेनिफिटेड बाई देम ओके सच आर्टिस्ट और आल्सो पेड वेल मीट है फिनेंशियल नीड उस समय में उनको उस तरह का पैसा भी मिलता था उनकी जरूरत भी पूरी होती थी जो कला रखते थे वी कैन से दैट दिस किंग्स नॉट ओनली सैटिस्फाइड बाई कंस्ट्रक्टिंग सच मॉन्यूमेंट बड़ाल आल्सो द मोटिवेटेड फोर्स एंड फुलफिल्ड द फिनेंशियल नीड ऑफ दैट वर्कर्स टू उस समय में यहाँ ये यह बताया जाता है कि उसको इस तरह के निर्माण करके उनको लोगों को एक उस समय में जितने भी वर्कर्स जितने भी कलाबाज होते थे ओके आ, उनको भी एक तरह की फिनंशियल हेल्प मिल जाती थी और ये राजा जो थे इनको भी एक अंदर से ख़ुशी मिलती थी कि हमने कुछ समाज के लिए किया है हमने एक अच्छी सी बिल्डिंग ज़मीन पे तामीर किया है ये दो तारे दो बातें होती हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस थैंक यू